सो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, मेरे को 5 बजे तो वहाँ पे पहुँचना था और 5:11 यहाँ पे हो चुके हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे, न्यू एक्टिवा की आज लॉन्च हुई है। सो मैसेज आ गया था मेरे पास 5 बजे आज एक्टिवा न्यू लॉन्च होनी है 6G। सो अभी जा रहा हूँ मैं, 5:11 हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी ट्राई करता हूँ मैं। वैसे मेरा प्लान था मैं घर से ब्लॉक करता हुआ चलूँ, बट नहीं कर पाया मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट था। तो अब चलते हैं। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम एक्टिवा पे व्लॉग मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, सो मुझे पता नहीं एंगल कैसा आ रहा होगा, आई होप ठीक आ रहा हो। तो भी बस फटाफट चलते हैं और वहाँ पे जाके कंटिन्यू करते हैं। So what's up everybody, this is Abhay, hope you are doing absolutely fine. So I am right now here Honda. So अभी चलते हैं, सो अभी चलते हैं अंदर और एक्टिवा 6G देखते हैं। सो एक्चुअली यहाँ के जो ऑनर हैं वो मेरे नोन हैं, सो इसलिए ईजिली मैं एक अच्छा सा रिव्यू आपके लोगों के लिए बना पाऊँगा 6G का। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हैं दोनों कलर, अभी जो यही कलर्स हैं, बाकी काफ़ी कलर्स आ रखे हैं इसमें। तो आप पहले तो एक ओवरलुक देख लो भाई 6G का, बाकी आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे भैया है हमारे, भैया आपका नाम महेश। तो भैया हमारे कुछ फीचर्स बताएंगे, भैया बताओ। इसमें एक तो PGM FI सिस्टम दे दिया गया है जिससे व्हीकल की प्रॉपर माइलेज रहेगी, और साथ में इसके अंदर कार्बोरेटर हटा दिया गया है जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग तो मतलब फ्यूल इंजेक्शन। हाँ जी, फ्यूल इंजेक्शन, साथ में कार्बोरेटर और चॉक सिस्टम हटा दिया गया है। और साथ में अगर आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपका बाई चांस साइड स्टैंड लग जाता है तो उसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर सिस्टम लगा दिया गया ताकि आपको बंद हो जाएगी भी। हाँ जी, ताकि अगर स्टार्टिंग करते हैं तो इसके अंदर एक सिंबल आने लग जाएगा अलग से। ये तो चेक इंजन लाइट है, चेक इंजन, और साथ में अलग से साइड स्टैंड उसका भी आ जाएगा सर ऑप्शन साइड स्टैंड के रिगार्डिंग। और साथ में इसके अंदर 400 लॉक सिस्टम दे दिया गया है जो कि आपको जो फ्यूल कैपेसिटी आपकी जो अंडर स्टोरेज के नीचे रहती थी वो आपकी यहीं से ओपन हो जाएगी और रियर के अंदर दे दी गई है। एक बार हुड दिखा दो आप। हाँ जी सर, जो इसके अंदर यहाँ पे तो भाई टैंक के लिए ऑप्शन, ये फ्यूल टैंक ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है, अगर मतलब ऐसे हुड नहीं खोलनी पड़ती बार बार। हाँ हाँ ठीक है भैया, तो एक बार ये भी दिखा दो हुड। ओके, और इसी में ऑप्शन में ही आपको सीट का ऑप्शन दे दिया गया, यहीं पर आपकी सीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लो भाई स्पेस तो पहले से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा कर दी। ठीक है, तो सोच लो कि बड़ा एडजस्टिंग है। ओके, साथ में इसके अंदर ट्यूबलेस टायर कर दिए गए हैं। अच्छा, पहले मतलब लाइक वो थे। हाँ जी, और साथ में उसके साथ में जो ब्रेकिंग दे रखे हैं, साथ में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दे रखे हैं कंबाइंड ब्रेकिंग के साथ, वो तो शायद और हर एक में आते हैं, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। ओके, सो इसमें एक ये किल स्विच भी है, अलग से स्विच दे रखा है, और साथ में इसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर अलॉय व्हील में और डिस्क ब्रेक के अंदर भी वेरिएंट। तो अलॉय व्हील्स में है क्या अभी? कोई नहीं अभी, वो मॉडल आया नहीं। चलो ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को। वो सर किल स्विच ऑन करवा देता हूँ। वो क्या है, कनेक्शन नहीं है क्योंकि एमए बैटरी दे रखी है ना इसके अंदर। क्या एमए बैटरी दे रखी है ना मेंटेनेंस? तो इग्निशन का है, वो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ना सर, पहले बैटरी कनेक्शन अटैच होंगे। अच्छा, तब उसके तब इग्निशन लगे, तो किसी में नहीं है अभी? नहीं अभी नहीं अटैच कर रहे, नीचे एक जो खड़ी है उसमें भी नहीं है। मैं डेमो करवा देता हूँ सर उसमें। हाँ, ट्राई करवा दूंगा मैं आपको। ओके ठीक है, तो भाई कुछ मेन जो फीचर्स हाइलाइट्स थे अपने एक्टिवा के वो तो आपको बता दिए, पर आपको ओवरव्यू अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये देख लो टेल लाइट थोड़ी इस बार बिल्कुल ही टोटली अलग डिज़ाइन में दिखा रखी हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। एंड उसके बाद ये देख लो अपना, और हाँ इसका जो इस बार जो सबसे बड़ा चेंज आया है एक्टिवा 6G में वो है इसमें 125cc का इंजन है एंड टायर ट्यूबलेस दे दिए गए हैं इसमें इस बार, और होंडा की बैजिंग। उसके बाद इधर देख लो एक्टिवा 125 क्रोम फिनिश में, इधर इसका फ्यूल लिड। बाकी मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है इसमें क्योंकि ये पीछे फ्यूल लिड दे दिया है, पीछे फ्यूल लिड का बहुत फ़ायदा होता है जैसे अगर आप टूरिंग कर रहे हो एक्टिवा पे या मतलब स्कूटी पे, तो क्या होता है कि आप इजीली मतलब बिना जैसे आपने सामान वामान वगैरह लोड कर रखा है तो आप बिना आपको सीट खोले ये आप एक्सेस कर सकते हो फ्यूल लिड। तो उसके बाद यहाँ पे शायद एक ये स्टोरेज का ऑप्शन है, तो एक बार इसको ओपन करते हैं। तो हाँ भाई ये है एक स्टोरेज टाइप का ऑप्शन, यहाँ पे आप शायद अपना फ़ोन टाइप का कुछ रख सकते हो, अगर आपको दिखाता हूँ मैं फ़ोन रख के। एंड यस यू कैन नो मेरे फ़ोन के साइज़ का नहीं है, हाँ बट कुछ छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर रख सकते हो कुछ स्लिप टाइप, एंड दिस इज़ ओके, ठीक स्पेस है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है कुछ भी चीज़ टांगने के लिए,
पॉलीथिन टाइप ऑफ, एंड इधर भी एक हुक आप लोगों को मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको एक बार फिर से एक बार बूट ओपन करके दिखाता हूँ मैं। एंड एक बार ये देख लो आप बूट। सो यहाँ पे आपको मिल जाती है टूल किट, फर्स्ट एड किट और पेपर वगैरह आएंगे जब आप ख़रीदोगे। तो वैसे ये चीज़ मेरे को थोड़ी बढ़िया लगी, क्योंकि पहले जो एक्टिव आवाज़ आती थी उनमें ही जो पार्ट होता था ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा होता था, तो सामान वामान रखने में प्रॉब्लम होती थी, बट अब ये थोड़ा अच्छा है। 6G एंड उसके बाद अभी आ जाते हैं फ्रंट पार्ट पे। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो फ्रंट हेडलाइट है वो भी बिल्कुल चेंज कर दी गई है लास्ट एक्टिवा से। एंड यहाँ पे आप देख लो इंडिकेटर्स में 125cc जो अपनी एक्टिवा आती है उस जैसी है। मडगार्ड देख लो, भाई ने बताया था कि डिस्क में भी ऑप्शन है इसका और अलॉय में भी है, तो अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट डिस्क और अलॉय में भी ऑप्शन दे रखा है। एंड उसके बाद यहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश है, अलग टाइप के 125cc जैसे इसके फुट पैग्स हैं। बाकी चीज़ मेरे को शायद ये स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है एक्टिवा 5G के मुकाबले, बट दैट्स इनफ आई थिंक। तो भाई एक्टिवा स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली वो उसमें सेल्फ स्टार्ट तो बटन नहीं था, बट किक से स्टार्ट हो सकती थी, तो भाई ने अभी किक से स्टार्ट करके दिखा दिया है। तो अभी आप देख लो टेल लाइट इसकी, एंड बाकी आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। एंड आई थिंक इसकी शायद जो ब्रेस है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है अभी फ़िलहाल। ओके फिल कर देते बाइक ये ओके। अच्छा यहाँ पे DRLs भी दे गए हैं, LED में DRLs भी आ गए हैं। और एक बार आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो आप, इंडिकेटर स्विच इधर है और एक इंडिकेटर स्विच इधर है, और ये अपना पूरा एनालॉग, इसमें डिजिटल भी आता है, ये भी अपना एनालॉग में है। तो इसको बंद कर देते हैं अभी। तो अभी चल रहे हैं स्कूटी को मतलब चलाने के, एक छोटी रिजल्ट लेने के लिए कि कैसी ये चलती है स्कूटी, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है थोड़ी चलने में। एंड ये अपनी स्कूटी आ चुकी है यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए, तो अभी इसको चला के देखेंगे एंड चलते हैं। सो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव के लिए। तो अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मेरे को लगा था इसमें सेल्फ अभी है नहीं, बट एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये अभी ऑफ है एंड ये ऑन। इसको एक और बार दबाएंगे, अच्छा ब्रेक दबा के एंड एक और बार, तो ये ऐसे स्टार्ट हो जाती है। तो कि ये जो ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये ऑप्शन मैक्सिमम सुपर बाइक्स में आता है। तो अभी चलते हैं एक फटाफट से शॉर्ट राइड के लिए। ओके सो द वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द स्कूटी इज स्मूथ रियली मैन। सो अभी जो इसके जो मीटर हैं वो भी काम नहीं कर रहा है। और एक और चीज़, एंगल पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, एंगल मुझे नहीं पता कैसा है क्योंकि मैंने कभी स्कूटी के हिसाब से एंगल सेट नहीं किया है एक्शन कैमरा का। एंड रियली द स्कूटी इज़ वेरी स्मूथ। और इसमें एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसमें साइडों में ये दे रखे हैं, इसका मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्या बोलते हैं इसको, बट ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब बाइक जैसे फॉल होती है, जब गिर जाती है बाइक, उस पॉइंट पर बहुत काम आती है ये चीज़। एंड इट्स स्मूथ एंड पावर तो इसमें है ज़्यादा मेरे को फील हो रही है, क्योंकि मैं अभी घर से मेरी एक्टिवा 4G चला के लेके आया था, वो 110cc का इंजन है, ये 125cc का इंजन है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी पावर मेरे को फील हो रही है। और ये भी फुल थ्रॉटल नहीं है, फुल थ्रॉटल अगर मैं इसमें करता हूँ तो ओ भाई रियली नहीं। देखो ये अभी काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी मेरे को फीलिंग आ जाती है, अभी एक्सपीरियंस है इतना तो, कि अच्छी खासी है भाई पावर तो इसमें एक स्कूटी के हिसाब से। सो एक बार यहाँ से लेते यू टर्न, ज़्यादा लंबी मैं टेस्ट राइड नहीं लेना चाहता हूँ, यहीं से ही ले लेते यू टर्न। इंडिकेटर ऑन एंड ये देख सकते हो आप इंडिकेटर। भाई वैसे ये जो इसका फीचर है ना, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ये किल स्विच वाला फीचर। या तो आप इसको किक से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको फ्यूल सॉरी किल स्विच वाले से स्टार्ट कर सकते हो। भाई ये सही में बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अभी लेते एक यू टर्न, इंडिकेटर ऑफ एंड एक बार ब्रेकिंग भी थोड़ी सी टेस्ट करते बाइक को साइड में, आई मीन स्कूटी की थोड़ी साइड में लेके। एंड ओके सो द ब्रेक्स आर गुड,
गुड इनफ आई थिंक, मतलब वही है एक्टिवा 4G 5G वाले ब्रेक्स हैं, बट जिस मॉडल में इसकी डिस्क आते हैं वो पक्का इसके ब्रेक उसके ब्रेक्स अच्छे होंगे, बट इसके ब्रेक्स तो वही हैं 5G 4G जैसे गुड, एंड एक्सेलरेशन इज गुड। सो आई थिंक मेरे को ज़्यादा कुछ बताना रह नहीं गया, भैया ने सब कुछ बता दिया था ऊपर, और तो यही है भाई अपना मतलब बढ़िया सा। इसकी हाँ प्राइस मैं बताता हूँ, इसका एक शोरूम प्राइस है 68,000 रुपीज़, एंड दैट इज़ ओके यार। जैसे जैसे ये अपनी एक्टिवा लेके आ रहे हैं प्राइस इनका बढ़ता ही जा रहा है हर एक्टिवा के साथ, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो स्कूटी आने वाली है वैल्यू फॉर मनी आने वाली है, तो थम्स अप भाई फॉर दिस स्कूटी। लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से इस स्कूटी के लिए, तो कम से कम लाइक कर दो। तो अभी चलते हैं स्कूटी को वापस देने के लिए, एंड स्कूटी इज़ रियली ऑसम। तो यहाँ पे जो अपना काम खत्म हो चुका है, 6G की राइड मैंने ले लिया, आप लोगों ने देख लिया, मैंने एक छोटा सा मोटो व्लॉग इसे बना लिया है, एंड अभी चलते हैं फटाफट से घर। सो गाइस आपको शोरूम डिटेल्स भी दे देता हूँ, आप देख लो यहाँ पे लॉचअप होंडा, यहाँ पे ऊपर महिंद्रा का भी है, एंड अगर आपको यहाँ तक आना है तो इसकी लोकेशन है दिल्ली बाईपास नियर जाट भवन। सो गाइस इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कर दो भाई लाइक फटाफट से वीडियो को, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।